हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिटो फ्रेंड चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे हीट ट्रीटमेंट, और हीट ट्रीटमेंट हमने अभी बहुत सारी उसकी विधियां पढ़ चुके हैं, जिसमें अब अगली विधि आज हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजिंग। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। नॉर्मलाइजिंग का मतलब होता है धातु के जो मेटल्स है उसको नॉर्मल करना। नॉर्मल क्यों करते हैं, मतलब जैसे कि नाम से हमें पता है कि जब जॉब के आप विभिन्न कार्य करते हैं, जॉब के ऊपर जैसे वेल्डिंग, फोर्जिंग्स या कुछ अलग प्रोसेस करते हैं, तो इस धातु की जॉब में क्या होता है, विकृतियां आ जाती है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर खराब हो जाती है। तो जब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जब खराब हो जाती है, तो ये जॉब जो होता है वो यूज करने के योग्य नहीं रहता है। यानी जो इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो खराब हो जाते हैं, उन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को वापस अपनी पहली वाली पूर्ण अवस्था में लाने के लिए जिस प्रक्रिया का हम उपयोग करते हैं वो अपना नॉर्मलाइजिंग कहलाता है। यानी धातु को पहले की तरह नॉर्मल कर देना। यानी कोई आदमी होता है जैसे नॉर्मल एक और दोनों में अंतर समझाता हूँ। नॉर्मल होता है जैसे कोई आदमी पहले एक नॉर्मल अवस्था में शांत रहता है, फिर जब से कोई बात बोलते तो वो हाइपर हो जाता है। तो वो हाइपर से जब हाइपर हो गया, अब उसमें क्या होगा, दोष आ गए, तो उसी हाइपर ने इसको कम कर देना, उसको पहली वाली जैसे कूल अवस्था में लाना, यानी एकदम जैसा नेचर उसका उसी अवस्था में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नॉर्मलाइजिंग कहलाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, धातु की जो गुण दोष होते हैं जैसे उसमें भंगुरता का गुण आ जाता है, या उसमें आप वेल्डिंग करते हो या जब उसको आप मतलब धातु को ठंडा करते हो तो उसमें कहीं कहीं उसमें डिस्टॉर्शन भी आ जाती है, जो टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं, तो उन सब अवस्थाओं को दूर करने के लिए अपन नॉर्मलाइजिंग की प्रक्रिया करते हैं। तो इसके पर्पज पढ़ लेते हैं। पर्पज क्या है मैं बता देता हूँ फटाफट पर्पज के बारे में आपको। पर्पज में पहला जो पर्पज रहेगा कि धातु की इंटरनल स्ट्रक्चर को दूर करना, पहला रहता है इंटरनल स्ट्रक्चर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको रिफाइन करने के लिए नॉर्मलाइजिंग की क्रिया करते हैं। फिर दूसरा रहता है इसका जो इसके जो पहले वाले मौलिक गुण है, जो मौलिक इसके गुण है उनको वापस लाने के लिए अपन ये नॉर्मलाइजिंग की क्रिया करते हैं। तीसरी इसकी स्ट्रेंथ, तीसरा जो गुण है वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना और इसका टफनेस का गुण वापस लाना के लिए ही नॉर्मलाइजिंग करते हैं, और इस पे इंपैक्ट स्ट्रेंथ को सहन करने के लिए भी करते हैं। चौथा इंपैक्ट, यानी जो अचानक चोट लगती है ना और उसे टूटने का डर रहता है, उस दोष को दूर करने के कारण के लिए ही हम नॉर्मलाइजिंग क्रिया करते हैं। तथा जो कास्ट किए कण होते हैं उनको समानता एक समान अवस्था में बनाने के लिए भी अपन नॉर्मलाइजिंग की क्रिया करते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं, अब इसका विधि पढ़ते हैं, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इसके अपन पढ़ेंगे। प्रोसेस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जॉब को एक भट्टी में पूरा गर्म किया जाता है। ठीक है, भट्टी में गर्म करने पे क्या होता है, इसका जो मार्टिन साइड है वो आर्टिन साइड में बदल जाता है, और यानी धातु जो पहले थी उसी अवस्था में वापस आ जाती है और उससे धातु नॉर्मल हो जाती है। इसमें प्रोसेस में क्या करते हैं, पहले जॉब को एक भट्टी में रख देते हैं, मान लो ये जॉब है भट्टी के अंदर रखा हुआ है, इसको गर्म करते हैं, भट्टी को बंद कर देते हैं और भट्टी में ही इसको धीरे 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 ठंडा होने देते हैं। जबकि जो धीरे धीरे ठंडा होगा तो ये एक समान ताप में आ जाएगा, एक समान ताप में आएगा तो इसके जो दोष है, डिफेक्ट है वो दूर हो जाएंगे और इसकी जो पहली वाली संरचना हमें वापस मिल जाएगा और ये जॉब एक नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। यानी जॉब को भट्टी में ही ठंडा करके पहले मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज है उसमें सुधार करने की प्रक्रिया ये अपनी क्या कहलाती है, नॉर्मलाइजिंग कहलाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा नॉर्मलाइजिंग की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप फीडबैक जरूर दें ताकि मुझे समझ में आए कि मैं कहाँ कुछ कमी है तो उसको मैं दूर करूं और बेटर से बेटर आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। इसलिए आपकी ड्यूटी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और डिसलाइक भी कर सकते हैं, नहीं पसंद आ रहा है, और उसे सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें, और उसको अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट बॉक्स में गुड या बेस्ट जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।